कौन था वो पंछी? तुमसे मतलब? यहाँ क्यों आए हो? रॉकी बेमतलब ना तो कहीं पे आता है और ना ही सवाल करता है। वो नगीना था कौन? शट अप। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जगह अगर दूसरा तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल दे तो बात कुछ पर्सनल नहीं रहती मिस प्रेमा। वैसे मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि बली सेठ ने तुम्हें बुलाया है। बली सेठ ने? इस वक्त? सबके वक्त की घड़ी की सुइयां मेरे हाथ में होती हैं और चाबी बली सेठ की। चलो, एक घंटे के बाद मैं खुद आ जाऊंगी और आइंदा इस तरह मेरे घर ये बात मैं बली सेठ से ही कर लूंगी। प्रेमा, ऐसी भी क्या बेरुखी है कि अंगारा बनी हुई हो? अभी वो था तो फूल की तरह खिली हुई थी। तुम्हारे हाथ में वो कांटे की तरह क्यों चुभ रहा है? साहबजादे, एक वक्त में एक ही सपना देखा करो। चाहो तो मेरे बेटे बन जाओ और चाहो तो प्रेमा के प्रेमी। फैसला तुम पर छोड़ता हूं। जी, मैं सिर्फ आपका बेटा बनना चाहता हूं। गुड। तो बेटे, उस लड़के की जन्म कुंडली लाए हो? उसका नाम है सुरेश, जज की औलाद है, एकदम निखट्टू है साला। अक्सर ऐसा ही होता है, बहादुर का बेटा कायर, लायक का बेटा नालायक। दुख की बात है। खैर, उस जज का नाम क्या है? बीके सिन्हा। बीके सिन्हा। रॉकी, अगर प्रेमा इस क्लब से चली जाती है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर उस लायक बाप का नालायक बेटा इस क्लब में आता रहा तो शायद हमारा कभी फायदा हो जाएगा। तुम प्रेमा से प्रेम तो नहीं कर सके, कम से कम सुरेश से ही दोस्ती कर लो। सुरेश से दोस्ती? Come on, have a drink. देखा, यह है किस्मत के धनी लोगों का स्वर्ग। जिसने यह किस्मत ना आजमाई, समझो सारे जहान में उसकी हुई रुसवाई। कंजू। यस सर। साहब को 2000 का बैंक दो। आज तुम हमारे गेस्ट हो, कम ऑन। शंकरा, इस कसीनो के अंदर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और सुना है कि जिसकी गर्लफ्रेंड उसके पास हो उसका मुकद्दर उसका लक बहुत साथ देता है। जब मेरा दुश्मन मेरे सामने हो तब मेरा लक मेरा साथ देता है। तो फिर आज अगर मैं हार गया तो समझ लेना अपनी दुश्मनी भी हार गया। ओके, रिलैक्स, टेक इट इजी। ऑल द बेस्ट टू यू बॉयज। Enjoy it, sir. Thank you.
आज अपनी दुश्मनी भी हार गया, मिलाओ हाथ। मुबारक हो मिस्टर सुरेश, लगता है किसी का साथ तुम्हें बहुत फल गया है। अगर बड़ा हाथ मारना हो तो दिवाली की रात इधर आओ, बड़े बड़े मोटे मोटे सेठ आते हैं इधर। जरूर आऊंगा रॉकी, दिवाली की रात जरूर आऊंगा। दो हजार मेरी भी 2000। मेरी 16000 की चाल। शो एक, दो और ये तीन। आज तो अपनी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी किस्मत नहीं, इनकी नीयत खराब है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि ताश की गड्डी में 5 इक्के नहीं होते। घुमा फिरा कर बात मत करो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। ये मैं नहीं, ये 2 इक्के कह रहे हैं कि तुम छक्कों जैसी बातें कर रहे हो। शंकरा, ये तेरा माल है। खबरदार जो हाथ बढ़ाया, हाथ तोड़कर तुम्हारी गर्दन से लटका दूंगा। ये तुम पर छक्के का नहीं, अट्ठे का हाथ उठा है। जब मुझ पर कोई हाथ उठाता है तो मेरा सिर फिर जाता है, और जब मेरा सिर फिर जाता है तो मैं सामने वाले की दुनिया फैला देता हूं। क्या शोर हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहां? बल्ली से रॉकी ने गेम में चीटिंग किया, इसलिए सुरेश ने उसको। जानते हो जिस पर तुमने हाथ उठाया वो मेरा कौन है? खैर, अच्छा किया साहबजादे, क्योंकि एक चीटर के साथ यही सलूक होना चाहिए। गुड, तुम लोग रॉकी को उठाकर उसके पांव पर खड़ा कर दो। Thank you.
सर ये तो मर गए सर। क्या रॉकी को मार डाला तुमने? ये तुमने क्या किया? लेकिन सर मैंने जानबूझ के। ठीक है देखो यहां से कोई बाहर जाने ना पाए और लाश पे कपड़ा डाल दो। तुम मेरे साथ आओ। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तुमने सबके सामने उसकी जान ली है। मैं जज साहब को फोन करके बुला लेता हूं। नहीं सर प्लीज, मेरे डैडी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए सर। तो साहब जादे आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लूं? आप कुछ कीजिए ना प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें बचा लीजिए। बात सिर्फ इसकी जान की नहीं है प्रेमा, क्लब की बदनामी है इसमें। साहबजादे 5 लाख का इंतजाम कर सकते हो तुम? 5 लाख? देखो भाई सबके मुंह बंद करने पड़ेंगे और फिर लाश भी तो गायब करनी है। ठीक है सर, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख की होनी चाहिए। ओके ओके सर। गुड। लाश को एक बोरी में डालकर मेरी कार की डिक्की में रख दो और ख्याल रखना कोई देख ना पाए। लेकिन बल्ली सेठ मैं। शंकरा तुम मेरे बेटे बनना पसंद करोगे? अगर चाहो तो रॉकी की जगह ले सकते हो। ओके थैंक यू सर। गुड। लो इसी बात पर नीट चढ़ा लो, क्योंकि तुमने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया कि सिर्फ तुम ही बल्ली सेठ के वारिस बनने के हकदार हो। बल्ली सेठ, मैंने तो बेटा बनकर दिखा दिया, अब तुम भी बाप बनो या फिर बेटा कह कह के मुझे इसी कैद खाने में सड़ा दोगे। तुम्हें मुझ पर शक है ना? तो आ मेरे साथ। आओ ये सब तुम्हारे लिए। ये सब मेरे लिए? ये भी बताओ कि यहां से कब निकलना है? आज ही साहबजादे, आज ही। तुम्हारा यहां से फरार होने का इंतजाम मैंने कर दिया है। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और ये रहा तुम्हारा स्विट्जरलैंड का टिकट। तुम्हारा यहां से निकल जाना ही हम दोनों की सेफ्टी है। वाह, आज हम आपके लिए ड्रिंक बनाएंगे। आप तो मेरे बाप से भी बढ़कर निकले। वाह। रुपया कितना ले जाऊं? जितनी दौलत चाहो ले जाओ, जाकर दोनों हाथों से खर्चा करो। तुम नहीं जानते रॉकी, तुमने उस जज के बेटे की गर्दन मेरे हाथ में देकर दरअसल किसकी गर्दन मेरे हाथ में दी है? किसकी गर्दन सेठ? उस हरामजादे जज की। बरसों से इंतकाम की आग में जल रहा था कि कब उससे बदला लू मैं। ये यहां कब से खड़ी है? क्या पकड़ो उसे। अरे इसके पास मेरा पासपोर्ट भी है। Thank you.
प्लीज जल्दी सुरेश को बुला दीजिए ना। आप कौन बोल रही है? मैं प्रेमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो प्रेमा, मैं राजू बोल रहा हूँ, उसका बड़ा भाई। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, कोई मेरी जान लेना चाहता है। कहाँ हूँ तुम्हें सोच? मैं चंद्र सिनेमा। ठीक है तुम वहीं ठहरो, मैं अभी पहुँचता हूँ। नहीं नहीं, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए गेट कीपर के पास टिकट छोड़कर जाती हूँ। आप थिएटर के अंदर आ जाइए, मैं आपको वहां मिलूंगी। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मेम साहब ने सुरेश राजू नाम से एक टिकट, हाँ टिकट तो रखी है साहब, लेकिन बहुत देर कर दी, थोड़ी देर में इंटरवल होने वाला है। कोई बात, ये रहा आपका टिकट। थैंक यू। मैं मोहब्बत के सच्चे में तुझे माफ कर देती, मगर तुम्हें जब मारा भी तो तुझे तभी तभी मैं सुरेश की तलाश में चला गया था, इसलिए देर हो। चलो मत, बाहर चलो और मुझे बताओ कि क्या बात है। चलो